राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे लेकर मंजूरी दी है। रोहित वोरा को मिली एक छोटे से इनडायरेक्ट रिटर्न गिफ्ट। रोहित के पिता और मूर्धन्य पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। उन हालातों में इस कमीशन की रिपोर्ट पेश करना सबसे बड़ा कार्य होगा, जिम्मेदारी होगी मेरी। अभी तो आज ही आदेश निकले हैं, मुझे अभी आदेशों की प्रति भी प्राप्त नहीं हुई है। दो सदस्य हैं, माननीय लक्ष्मण सिंह जी, माननीय लाहौटी जी, उन सबके सहयोग से ही मैं काम करना चाहूंगा। बाकी आगे बात करेंगे, आपसे तो बात करते रहेंगे। अभी तो इस वक्त कुछ कहने मेरे लिए संभव ही नहीं है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सर, हालात बहुत विपरीत हैं फिलहाल, जिस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली है, कोविड का दौर चल रहा है। हाँ, ये बात सही है। राज्य सरकारों की, भारत सरकार समेत राज्य सरकारों की आमदनी गिरी है। आर्थिक हालात जो हैं देश और प्रदेश दोनों के ठीक नहीं है। ऐसे समय के अंदर ये मुझे कार्य सौंपा गया है। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही मुझे कार्य करना होगा, अन्यथा कैसे काम होगा। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सबकी राय, सलाह, मशवरे से ही इसको पूरा करेंगे। बाकी मैं अधिकारियों से ही बात करूंगा कि आज क्या हालात हैं, उसके अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहूंगा इस वक्त। तो आज पहले ही दिन है, अभी तो मेरे पास आदेश भी नहीं आए हैं, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से मैं इस कार्य को संपन्न करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और समय में ही, समयबद्ध तरीके से ही इस कार्य को पूरा करना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा हाल फिलहाल को। बाकी आपसे बात करते रहेंगे, आप क्यों पर उसमें या पर या हो रहे हैं। सर एक ही है कि कोविड में इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में गिरी है, आप काफी अनुभवी रहे, किस तरह देखते हैं केंद्र सरकार की पॉलिसी, इस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पब्लिक को दे नहीं रहे थे सर। हाँ हाँ, इन सभी हालातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ना रिपोर्ट देते वक्त। भाई देखिए, संविधान के अमेंडमेंट के बाद जो पंचायती राज संस्थाओं के, राज्य सरकार के संसाधनों में से जो पैसा और जो उनको धन उपलब्ध। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह खास बातचीत में वो कह रहे थे कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, हालांकि अभी तक ऑर्डर्स मेरे पास पहुंचे नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी दी गई है, ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मौजूदा स्थिति जो है सभी को स्टडी किया जाएगा, सब हालातों को मौजूदा देख कर ही निर्णय भी लिए जाएंगे और जिम्मेदारी को निभाएंगे। यही कहना चाहूंगा, और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, यही बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। तो राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे लेकर मंजूरी दी है। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी को सदस्य बनाया गया है। खास बातचीत में पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा भी कि जिम्मेदारी जो मिली है उसे निभाना है, ईमानदारी से निभाना है, और क्योंकि जिस तरह के हालात अभी वित्तीय स्तर पर देखा जाए, मौजूदा हालात बने हैं, उसे भी देखकर उसके मद्देनजर ही फैसले लिए जाएंगे।